आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी के रेडिएटर का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, तो वो किसी और कलर में क्यों नहीं होता? वाइट या फिर किसी और कलर में कर सकते थे, पर वो ब्लैक ही क्यों होता है? तो इसी सवाल का जवाब लेने के लिए बने रहे लास्ट तक मेरे साथ। मैं हूँ एनके और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि समर के मौसम में ज़्यादातर लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और आठवीं नवीं की कक्षा में हमने पढ़ा भी होता है कि व्हाइट कलर जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करने वाला कलर। जैसे कि जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाता है वो व्हाइट कलर होता है, और प्रकाश को जो अच्छी तरह से शोषण कर पाता है वो होता है ब्लैक कलर। तो ज़्यादा प्रकाश का शोषण होगा तो हीट का भी शोषण होगा, ठीक है? तो हीट जो शोषण करने वाला कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, व्हाइट कलर होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्लैक कलर रेडिएटर में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि अंदर की जो हीट होती है इसे एब्जॉर्ब कर सकता है, और दूसरा कि इसे वातावरण में अच्छे से फैला भी सकता है, ठीक है? तो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो व्हाइट कलर के मुकाबले जो ब्लैक कलर होता है वो आराम से हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और इसे वातावरण में फैला भी सकता है। तो इसी कारण रेडिएटर के अंदर जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है और किसी और कलर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम वगैरह के भी रेडिएटर बने होते हैं और दूसरे भी मटेरियल से बनाए जाते हैं, पर ब्लैक कलर ज़्यादातर ऊपर किया जाता है। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण आपने जान लिया होगा। तो बने रहे किसी और वीडियो के साथ, मिलेंगे। और लाइक कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।